अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स होप यू आर ऑल फाइन इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिसकस्ड परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में देखा आपने कि इस मार्केट की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि सेम प्राइस प्रिवेल्स थ्रू आउट दी मार्केट एंड वी अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मार्केट थ्रू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स एंड वी डिसकस्ड द वेरियस फीचर्स ऑफ this type of market in the previous lecture right today we have to focus again on this same type of market but before going ahead let me tell you that the economists draw a line between pure and perfect competition so there is Pure competition and perfect competition. Now, what is this pure and perfect? The difference between the two is only of degree and not of any kind. The difference is only of degree and not of any kind. The concept of this pure competition was put forth by Professor Chamberlain. प्रोफेसर चैम्बरलिन ने कंसेप्ट ऑफ प्योर कंपटीशन दिया है उसके मुताबिक इफ इज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स buyers and sellers homogeneous products and pre-entry entry and exit of firms are existent then the market is defined in terms of pure competition so according to chamberlain if there exists the condition of large number of buyers and sellers homogeneous products free entry and exit of firms and free from restrictions then the market is said to be purely competitive so we can say an industry is said to be operating under conditions of pure competition when there are many firms Homogeneity of products, freedom of entry and exit, independent decision making. Right? Thus, in comparison with the perfect competition, pure competition is more realistic. More realistic, Then the pure than the perfect competition. The प्योर कंपटिशन हैज़ ऑनली फोर कंडीशन इसमें सिर्फ चार कंडीशन हैं जो पहली चार हैं और जो परफेक्ट कंपटिशन है उसमें आठ कंडीशन एट कंडीशन देखिए इज द कंडीशन ऑफ नो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इट मीन दैट इट्स नॉट मोर रियलिस्टिक ठीक है ना या इट पॉज तो फीचर ऑफ परफेक्ट नॉलेज इट टू इज नॉट सो रियलिस्ट ठीक है ना तो इस तरह से अगर मार्केट में पहली चार पहली चार करेक्टर्स हैं खूबियाँ हैं देन इट्स प्योर कंपटीशन लार्ज नंबर बायर्स एंड सेलर्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स फ्री एंट्री एंड एग्जिट तो ये प्योर कंपटीशन है इफ़ वी टेक ऑल द एट 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 फीचर्स ऑफ द मार्केट देन इट इज़ प्योर परफेक्ट कॉम्पटन राइट नाउ

एंड इंडिविजुअल फर्म इन सच ए मार्केट कैन नॉट इफेक्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्राइस इज फिक्सड बाई द फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्किट सप्लाई जो भी प्राइस होता है इसे मार्किट फोर्सेज तय करते हैं फोर्सेज आप जानते हैं यू है फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इट इज एट द प्राइस इन द इंडस्ट्री सेल देयर आउटपुट ऑन इट्स दार्केट प्राइस ठीक है ना so in a way we can say that under perfect competition it is neither possible nor desirable for an individual firm to change the price of the product the firm is simply price taker and not a price maker then who is the price maker it is the industry industry is the price maker and industry makes the price that is the price that is determined by the market forces of supply and demand Take एक बात दूसरी बात हर मार्केट में हर एक फोरू एक डिमांड करो फेस करती हर मार्केट में हर फर्म की अपनी एक डिमांड करो होती है जहाँ तक परफेक्ट कंपटीशन का ताल्लुक है हेयर द डिमांड करो फेसड बाई ए फर्म इज परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक या इन्फिनिट इलास्टिटी भी हम इसे कहते हैं कैसे है इफ यू रिमेंबर द वेरियस डिज प्राइस इलासिटी डिमांड दियर वी हैव डिस्कसड द कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट इलासिटी अगर आपको याद होगा हमने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की बात की थी जब हम डिग्रीज की बात कर रहे थे तो हेयर सेम इज द केस इफ यू टेक प्राइस ऑन दिस एक्स इज एंड क्वान्टिटी ऑन दिस एक्स इज द डिमांड कर फर्म विल बी लाइक दिस पी डैश और डिमांड करो ये कैसी डिमांड करो है ये हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है ठीक है ना ये कैसी है इट इज इनफिनिट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है यार डिमांड इज इक्वल टू इनफिनिटी ठीक इट मीन दैट द फर्म कैन सेल कमोडिटी एट दिवेलिंग प्राइस हमारा प्राइस पी है एट दिस प्राइस इट मे सेल OQ, it may sell OQ1, it may sell OQ2, it may sell any quantity it likes at the same price. The demand curve is indicated by a horizontal straight line parallel to the X axis. This shows that the firm is to accept the price as determined by the forces of demand and supply. Concept forces, market forces of demand and supply. Theek, so, here the diagram shows that